नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई की वसूलीबाज फर्जी विधायक होटल मालिक से धन उगाही के चक्कर में पहुंच गई हवालात। माया नगरी मुंबई के उपनगर मीरा भाईंदर से एक बड़ी घटना हाल ही में सामने आई है, जहां पुलिस ने मीरा भाईंदर की फर्जी विधायक को होटल व्यवसायी से धन उगाही के मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला है, खुद अपने आप को मीरा भाईंदर से निर्दलीय चुनाव जीतकर आई मीरा भाईंदर की लोकप्रिय विधायक गीता जैन बताकर क्षेत्र के व्यवसायियों से अवैध वसूली करने वाले एक रैकेट से जुड़ी महिला और उनके साथियों की गिरफ्तारी का। आपको बता दें, यह मामला किसी फिल्मी कहानी से कतई कम नहीं है। दरअसल मुंबई से सटे काशी मीरा पुलिस थाने की हद में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर गोड़बंदर के पास मौजूद दिल्ली दरबार होटल में एक व्यक्ति जाता है जो अपने आप को क्षेत्र की विधायक गीता जैन का पीए बताकर किसी सामाजिक काम के नाम पर डोनेशन देने को कहता है और व्यवसायी को विश्वास हो जाए इसलिए एक महिला जिसका नाम भारती मीर बताया गया है उसको फ़ोन कर व्यवसायी से बात करवाता है। व्यवसायी से बात करते समय महिला अपने आप को विधायक गीता जैन बताती है एवं आए हुए व्यक्ति को डोनेशन देने का निवेदन नहीं बल्कि आदेश करती है। लेकिन तभी सजग होटल व्यवसायी खुद असली विधायक गीता जैन को फ़ोन कर मामले की पड़ताल करता है। तब असली विधायक गीता जैन फ़ोन पर साफ मना कर देती है, जिससे उस फर्जी विधायक एवं उसके फर्जी पीए का भांडा फूट जाता है और दोनों को उनके तीसरे साथी के साथ पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। विधायक गीता जैन के नाम पर वसूली करने वाली महिला के पास से पुलिस को मुंबई महानगर पालिका क्लीन मार्शल का एक आई कार्ड मिला है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार महिला और उसके साथी ने अब तक 4 से 5 लोगों से मदद के नाम पर पैसे वसूलने की बात कबूल की है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक भाईंदर का तो महिला और तीसरा आरोपी गोराई परिसर का रहने वाला है। इस मामले में विधायक गीता जैन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मीरा भाईंदर के नागरिक और होटल व्यवसायी ऐसे ठगों से सावधान रहे। अगर कोई भी शख्स या महिला उनके नाम पर किसी से पैसे मांगते हैं तो उसकी शिकायत पुलिस से या फिर खुद उनसे करें। इसके साथ ही गीता जैन ने काशी मीरा पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस ने काफ़ी कम समय में अच्छा काम करते हुए आरोपियों को जेल के पीछे पहुंचा दिया। वीडियो में आगे सुनिए विधायक गीता जैन का बयान एवं काशी मीरा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। काशी मीरा पुलिस ने तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो आपका नाम का इस्तेमाल करके कुछ वसूली का काम कर रहे थे। क्या बोलेंगे इस तरह के मामलों के बारे में और मीरा भाईंदर की जनता से क्या बोलेंगे ऐसे लोगों से बचने के लिए? देखिए, कल मुझे दिल्ली दरबार के वहाँ से फ़ोन आया उन होटल के मालिक का कि हमारे पास इस तरह से कोई पैसे मांगने आया है, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने पहले 4-5 और होटलों में भी ऐसा किया था, ऐसे मुझे PI साहब ने बताया। लेकिन वो मुझे जानते थे तो मैंने कहा मेरी तरफ से मैं ऐसे किसी को पैसे लेने नहीं भेजा है और मुझे नहीं मालूम। पहले FB मेरा अकाउंट खोला गया था और इसी तरह से मेरे नाम से उस समय भी पैसे मांगे गए थे। अब ये पता पड़ा है कि होटलों में या दुकानों में या कहीं और शॉप्स में जाके वो कहते हैं कि गीता जैन ने भेजा है हमें, उन्होंने इतना पैसा मंगाया है। तो मैंने तुरंत ही CP दाते साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे PI काशी मीरा को वहाँ भेजा और जो बंदा वहाँ पैसे लेने आया था उसको अरेस्ट किया और उसके साथ उसके साथीदार थे जिससे वो फ़ोन पे बात कराता था कोई लेडी से, ये कह के कि मैं गीता जैन बोल रही हूँ, वो कहीं मुंबई से है ऐसा पता पड़ा। तो वो गीता जैन बन के बात करती थी फ़ोन पे और होटल के मालिक से कहते थे कि मैं गीता जैन बोल रही हूँ, मैंने जिस आदमी को भेजा है उसे आप इतने इतने पैसे दे दीजिए। तीनों को गिरफ्तार किया है, 2 घंटे के अंदर शायद तीनों को गिरफ्तार कर लिया काशी मीरा पुलिस स्टेशन पे और अब वो उनसे पूछेंगे कि क्या आगे उनकी मॉडस ऑपरेंडी और किसके इंस्ट्रक्शन पे वो काम कर रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो पूछे और ये पता लगाए। लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे कोई भी फ़ोन कॉल्स आए, ऐसे कोई भी FB अकाउंट पे पैसे मांगे मेरे नाम पे, या कोई भी आदमी पैसे मांगने के लिए मेरे नाम से आता है और किसी से भी बात कराता है, प्लीज़ आप मेरे ओरिजिनल नंबर पे मेरे से बात कीजिए, कंफर्म कीजिए और कोई भी इस झांसे में आके उन्हें कोई भी पैसे ना दे। ये मेरी तरफ से लोगों को विनती है कि मेरे नाम से कहीं भी कोई भी तरह के मैं किसी को पैसे लेने नहीं भेजती हूँ। तो प्लीज़ आप होटल मालिक हो, दुकान मालिक हो या कोई भी हो, या FB अकाउंट पे भी कोई मेरे ऐसे पैसे मांगने वाले हैकर्स ने अकाउंट करके डाले हो,
तो प्लीज़ आप पैसे किसी को भी ना दे और उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत पुलिस स्टेशन पे दे या डायरेक्ट मुझे फ़ोन करें। आपने एक गीता जैन को पकड़ा है, डुप्लीकेट गीता जैन और कुछ लोग उनके नाम से जो शहर में वसूली करते थे, क्या माजरा, क्या पता चलना चाहेंगे? कल एक कॉल आया था हमको होटल्स जो दिल्ली दरबार है वहाँ के, वहाँ एक आदमी को लोगों ने पकड़ के रखा है करके होटल वाले ने, तो हम उसको लेके आने के बाद हमको पता चला कि वो लोग जो है गीता जैन मैडम के नाम से पहला पीए बद के बात करते हैं, फिर बाद में मैडम के नाम से एक औरत बात करती है और होटल वाले को बोलते हैं कि भाई हम लोगों को, उन्होंने बताया कैसा हम लोग जैन समूह के लोग कुछ विधवा लोगों का महिला का विवाह कर रहे हैं और उसके लिए हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपने तरफ से कितना डोनेशन देते हैं, कितना पैसा दे सकते हैं, ऐसे उनसे बात करते हैं। इस हिसाब से उन्होंने बोला था कि ठीक है, सामने वाले बोला था कि गीता जैन मैडम बात करे तो वो होटल का जो मालिक है उनसे वैसे बोल रहा है कि हाँ आप बताइए मैडम ऐसा, तो उन्होंने बोला कि इतना इतना पैसा अमाउंट बोलता है उसमें कि देता है, तो लेने के लिए दूसरे आदमी को भेजता है पैसा, वो जो दूसरा आदमी गया तो उसको वहाँ उन लोगों ने उनको डाउट आया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने उनको पकड़ के रखा, तो पुलिस इंक्वायरी के बाद में पता चला कि उन्होंने जो आदमी पैसा लेने के लिए गया था तो उसने बोला कि मुझे नहीं बोला कि दूसरे लोग दो लोगों ने मुझे भेजा है, तो फिर पहले हमने उसको ताबे में लेने के बाद इंक्वायरी करने के बाद वो जो दोनों लोग थे जो मैडम के नाम से एक महिला बात कर रही थी उनको भी हमने आज सुबह ही मॉर्निंग में अरेस्ट किया है और दूसरा साथीदार था उसका उसको भी हमने अरेस्ट किया है। सर कितने लोगों को इन्होंने इस तरह शहर में किया है जिनसे पैसे मांगे हैं? इसमें अभी तक एक्यूज में से दो जेंट्स है और एक लेडीज है और चार पांच लोगों को अभी तक उन्होंने फोन किया है ऐसा मैडम के नाम से, तो इतना उन्होंने इंक्वायरी में बताया है। अभी अब आज हम लोग ये केस में जो अरेस्ट किया है उसमें हम लोग कोर्ट में आज पेश करेंगे, जैसे पुलिस कस्टडी मिल जाएगी क्योंकि आगे की तहकीकत हम लोग करने वाले हैं। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पहले भी इनके पास ऐसे गुनाह दाखिल है, आपराधिक प्रवृत्ति इनके पास ऐसा कुछ है? एक जो है अपने मैक्सिस मॉल के उधर रहने वाला आदमी है जो ओरिजिनल गोवा का है और वो सिद्धेश सामंतर के नाम है उसका और वो अपने एरिया में रहता है, और दूसरे दोनों जो है वो बोराई में रहते हैं, बोरेली वहाँ से हमने उनको उठाया। काम क्या सर, क्या काम करते थे? एक्चुअली उसमें जो मैडम के नाम से जो पैसा मांग रहे हैं वो लेडी जो है उसका नाम है भारती परमार और वो जो मुंबई महानगर पालिका है उधर क्लीनअप मार्शल बन के काम करती है, तो बाकायदा उसके पास आय कार्ड है और उसका दूसरा साथीदार है वो तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं गोराई में और उसको वो कुछ काम नहीं करता है, वो ऐसे काम करता है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।